दोस्तों आज हम लोग जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस के लिए ध्येय आईएएस की दूसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज के हमारे इस दूसरे टेस्ट सीरीज में जितने के जितने प्रश्न हैं सब के सब मेरे भाई हिस्ट्री के हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सभी के सभी शुद्ध रूप से हिस्ट्री के हैं, एंशियंट, मेडिवल, फिर मॉडर्न इंडिया, सभी से प्रश्न। तो आज के इस टेस्ट सीरीज में हमारे कुल 150 प्रश्न हैं जिनमें 125 शुद्ध रूप से हिस्ट्री के हैं, तो वही हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे। इस 125 के क्वेश्चन मेरे भाई आपको हिस्ट्री के जितने टॉपिक हैं हर एक टॉपिक से आपको टच करा देगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कहाँ किस कोने से प्रश्न आता है, किस कोने से प्रश्न बनता है, किस कोने से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो साथियों ये हिस्ट्री का हमारा जो प्रश्न है, ये दो टाइप के प्रश्न इसमें जो है डाले गए हैं इस दूसरी टेस्ट सीरीज में। एक तो जो विभिन्न स्टेट कमीशंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, विभिन्न सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई कई बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं रिपीटेशन के आधार पर प्रश्न डाला गया है। और दूसरी बात, उन्हीं जो रिपीटेशन के आधार पर कुछ नए और संभावित प्रश्न बनाए गए हैं जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर, क्योंकि बच्चों में धैर्यता की कमी आ रही है, वो अच्छे चीज़ों को पसंद नहीं कर पा रहे हैं आजकल। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न पर मंथन करिएगा, वीडियो को रोक रोक कर हम कहाँ हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, हम कहाँ हैं अपने आप को, हम कितने पानी में हैं, अपने आप को हम कहाँ खड़े पाते हैं, ये जरूर साथियों जांचिए, क्योंकि आप अपना खुद टीचर हो, आप अपने आप को जितने बेहतर तरीके से जांच सकते हो, परख सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। तो चले हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो साथियों चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न बहुत लाजवाब है, मैचिंग वाला सवाल है, मिलान वाले सवाल को हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर करेंगे तो हमें बहुत कम नॉलेज रहता है, फिर भी हम कर ले जाएंगे। देखो सूची एक में दिया गया है बौद्ध संगीति और सूची दो में दिया गया है अध्यक्ष, यानी किस बौद्ध संगीति के अध्यक्षता किसने किया था उसी को हमें मिला देना है। आपको मालूम होगा बौद्ध संगीति क्या होती है, कि बुद्ध के जो है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए चार बौद्ध संगीतियाँ जो है कराई गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति मेरे भाई अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगृह में, जिसे सप्तकर्णी गुफा भी कहा जाता है, ये महाकस्म की अध्यक्षता में, तो ये आ जाएगा महाकस्म की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको मालूम है साथियों अशोक के शासनकाल में वैशाली में कराया गया था, और साबा कामी इसके अध्यक्षता किए थे, तो ये आ जाएगा साबा कामी पे। तृतीय बौद्ध संगीति मेरे भाई आप सबको मालूम है, ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, काला अशोक के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र ने किया था, तो ये आ जाएगा यहाँ। और हमारा एक जो बचा है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, और यहाँ का शासक कौन था, कनिष्क, कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। तो मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, अब हमें बताना होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यही वाला सेट हो रहा है अच्छे से। मैं चाहता जल्दी से बता के निकल जाऊं, लेकिन मेरे भाई वो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को मैं एक प्रश्न पर अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी चार गुना बढ़ जाएगी। तो चलें हम लोग दूसरे प्रश्न पर देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रस्तर स्मारक मतलब मेरे भाई पत्थर का स्मारक, भागवत धर्म से संबंधित पहला पत्थर का स्मारक निम्नलिखित में से कौन है। तो मेरे भाई आपको बता दें, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, तो ये वेशनगर को विदिशा भी कहा जाता है, तो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ जो है ये भागवत धर्म से संबंधित प्रथम पत्थर स्मारक है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, हेलियोडोरस ने बनवाया था। आगे हम लोग चले जो है तीसरे प्रश्न पर, देखें तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। तो नीचे चार संस्थाएं दी गई हैं मेरे भाई,
इन्हीं चारों संस्थाओं का नाम देकर आपसे पूछा गया आर्यों की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी संस्था कौन थी। तो आर्यों की विभिन्न संस्थाएं थी मेरे भाई, सभा, समिति, विदत, गण, लेकिन सबसे प्राचीन जो अगर संस्था की बात किया जाए तो विदत थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विदत। आगे हम लोग चलें, जिसे जो है जनसभा, विदत को जनसभा भी कहा जाता है आम बोलचाल भाषा में, जनसभा। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, अब चौथे पे चलते हैं। क्या कह रहा है चौथा में, का कोई भी पूछे आपसे ऋग्वैदिक काल के लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। कब वो परिचित हुए, उत्तर वैदिक काल में। आगे हम लोग चलें, अब पाँचवें में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला हम कथन को पढ़ लें, कह रहा है सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। तो मेरे भाई नहीं, गलत है। आप सोचेंगे क्यों गलत है, तो क्योंकि जब सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था तो वहाँ चंद्रगुप्त जो है, उस समय चंद्रगुप्त के समय शासन नहीं था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त ने की थी, यही घनानंद जो है शासन था, यानी सिकंदर के समकालीन भी है घनानंद, तो घनानंद का शासन था, इसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही, क्योंकि राजा पोरस का जो क्षेत्र था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में था, तो सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर ही हराया था, तो ये याद रखिएगा आप लोग, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल हमारा सत्य है पाँचवें का। आगे हम लोग चलें, अब छठवें में देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, आप लोग केवल थोड़ा सा पेशेंस धैर्य रखकर सुनेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं छठवें में क्या है, ये भी मैचिंग वाला सवाल है। एक तरफ आपको आर्किटेक्चर दिया है, दूसरी तरफ उसके फाउंडर का नाम दिया गया है, किस स्थापत्य के संस्थापक कौन थे उसे ही मिला देना है। तो मेरे भाई सीधा सीधा आपको जो पहले आता है उसी को मिला दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए कुव्वत उल इस्लाम ये मस्जिद थी, ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये पहले पर मिल जाएगा, ये तो एकदम क्लियर है। और हजार हजार सितून जो है मेरे भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, सभी को मालूम है ये हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए दो से हमारा काम बन रहा है, ये जो है बी वाला आएगा चार पर और सी वाला जाएगा एक पर, तो नहीं बना, हमें थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए। तो आप जान लीजिए चार मीनार जो है ये कुतुब शाह ने बनवाया था, तो चार मीनार कुतुब शाह कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए डी वाला दो पर आना चाहिए, तो डी वाला दो पर ऑप्शन नंबर सी हमारा ये उत्तर हो जाएगा ये वाला। और बाकी एक हमारा और जो बचा है ये आतरकीन का दरवाज़ा, ये इल्तुमिस के पास चला आएगा। तो आगे हम लोग चलें, इसी तरह से हम लोग मिलाते चले जाएंगे, हमारा सभी चीज़ों क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। सातवां में हम लोग देखते हैं, सातवें में क्या कह रहा है, सातवां में कह रहा है भाई निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया था। तो कुछ आपको सल्तनतकालीन शासक का नाम दिया है नीचे, उन्हीं नाम देकर पूछ रहा है इतलाक प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो इतलाक प्रथा मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था। इतलाक का मतलब ये होता है नियुक्ति, नियुक्ति पत्र। तो आपको मालूम होगा ये जब फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रथा चलाई इतलाक प्रथा, इसमें क्या होता था, सैनिकों का जो वेतन होता था वो राजस्व अधिकारी देता था, मतलब जो लोग टैक्स वसूलते थे उन्हीं से कहता था, उनको सैनिकों को अपने एक नियुक्ति पत्र दे देता था, और वही नियुक्ति पत्र उसके सैनिक ले जाते थे वो जो राजस्व संग्रहण करते थे उनके पास, तो वो उनको वेतन दे देता था। तो यही थी इतलाक प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखें आठवें में, आठवां में कह रहा है साथियों पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण काल के संदर्भ में कुछ कथन दिया है दो ठो, इन्हीं दोनों विचार करके हमें सत्य कथन को बता देना है। अगर हम पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य
शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है? नहीं मेरे भाई, नर्मदा घाटी से मिलता है, शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं, ये नर्मदा की घाटी से। तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से मिले हैं। यस मेरे भाई बिल्कुल सही है, ये आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश का ज़िला है, ये आदमगढ़ है, ये नर्मदापुरम एक मध्य प्रदेश में ज़िला है वहाँ है, और ये बागौर ये भिलवाड़ा है राजस्थान में वहाँ है, ये तो यहीं से ये मिला है पशुपालन के साक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा केवल दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आठवां का ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, चले हम लोग आगे देखते हैं नौवे में। नौवे में क्या कह रहा है मेरे भाई, ताम्बवती, ताम्बवती नामक पाषाणी का स्थल कौन सा था जहाँ के निवासी कृषक एवं पशुपालक दोनों और तांबा गलाना भी जानते थे। मतलब ताम्बवती नाम का एक पाषाणी का स्थल बताना है आपको कौन सा था जहाँ के निवासी कृषक पशुपालन, कृषक भी थे पशुपालन भी थे और वो तांबा गलाना भी जानते थे। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आहड़, आहड़ ये बहुत अच्छा मतलब एक जो राजस्थान का एक दक्षिण पूर्व एरिया है वहीं ये पड़ता है आहड़, तो वहीं ये इसका उत्तर होगा आहड़ के निवासी, आशल आहड़ स्थल। आगे हम लोग देखें नौ, ये सॉरी ये नौ हो गया ना, दस, दसवां पे हमें आना है। देखें दसवां में क्या कह रहा है, कह रहा है सैंधव सभ्यता के संबंध में सही कथन चुनाव करना है। आपको सैंधव सभ्यता से चार कथन दे दिया है, उनमें से जो सही है उसी को पकड़ना है हमें। तो मेरे भाई हमें देखें क्या हमें पकड़ना है, क्या सही है। पहला कह रहा है हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, तो नहीं मेरे भाई ये गलत है। हुलास नामक स्थल ये सहारनपुर ज़िले है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में, तो ये याद रखिएगा, इसलिए ये गलत हो गया, सही नहीं है। बी वाला पढ़ेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध था। मेरे भाई ये किसी को आता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर आता है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो अब तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, जो पढ़ी नहीं जा सकी तो हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा वहाँ क्या था क्या नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सी वाले में जब पढ़ेंगे तो क्या है, हड़प्पा वासियों को सोने चांदी और लोहे की जानकारी थी, हड़प्पा वासियों को सोने चांदी और लोहे की जानकारी थी, तो नहीं मेरे भाई, लोहे सोने चांदी की तो जानकारी थी लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। डी वाला क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोट स्थलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो यस ऑप्शन नंबर डी हमारा दसवां वाला ये सही है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये कौन सा कथन सही था, तो डी वाला यहाँ सही था। आगे बढ़ें हम लोग देखें हैं ग्यारह वाले में, देखें बढ़िया प्रश्न है ग्यारह। मौर्यकालीन सोहगौरा ताम्र पत्र अभिलेख, एक सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है किस काल का, मौर्य काल का, जहाँ से अन्नागार का विवरण मिलता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो मेरे भाई सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख मौर्यकालीन समय का जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा जाए बारह में, इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन को बताना है, यानी जो गलत कथन है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में उसको बताना है। तो यहाँ पहला जब आप लोग पढ़ोगे तो खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, खंभात खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, ये तो सही बात है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, गलत बताना है। तो बी वाला क्या कह रहा है, राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो मेरे भाई नहीं, यही गलत है ऑप्शन बी वाला। क्यों गलत है, क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा नामक स्थान से, तो कालीबंगा नामक स्थान से ये मिले हैं।
तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के यहाँ, तो भीलवाड़ा ज़िले में नहीं, ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से ये जूते हुए खेज के साथ प्राप्त हुए। तो ऑप्शन बी वाला यही हमारा गलत था, तो यही हमने बता दिया, उत्तर हमारा यही होगा और बाकी सब अपनी जगह पे सही हैं। पहला भी सही था अपनी जगह पर, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, हरियाणा में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्राप्त हुआ है, तो ये सभी सत्य हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमसे असत्य पूछा, असत्य बी है। 12-13 हम लोग आ जाएं 13 पर, इसमें क्या करा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित नहीं है। तो मेरे भाई सिंध जो है पाकिस्तान का एक राज्य है और पाकिस्तान में एक पंजाब भी राज्य है, यही पंजाब अपना जो दो भागों में बटा था, आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा इंडिया में रह गया। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित नहीं है, तो सिंध में मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो ये दोनों सिंध में अवस्थित हैं, लेकिन कह रहा है कौन सा सिंध में अवस्थित नहीं है, तो हड़प्पा सिंध में अवस्थित नहीं है। कहाँ है हड़प्पा? पंजाब में है। कौन सा पंजाब? इंडिया वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। तो 13 का सी हो गया अपना उत्तर ये वाला। आगे चले हम लोग 14 देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है? उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन को हमें चुनाव करना है। तो उपनिषद के संबंध में जो गलत कथन है इन दिए हुए चारों में से, इन्हीं में से गलत वाले को पकड़ लेना है हमें। तो कह रहा है उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। नहीं मेरे भाई, यही गलत है। मुख्य विषय वेदांत है, कर्मकांड नहीं। क्या? वेदांत, याद रखिएगा, उपनिषद का मुख्य विषय वेदांत। तो यही गलत हो गया, यही हमारा उत्तर भी होगा, बाकी सब अपनी जगह पर सही है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, सही बात। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में दिया गया है। प्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबा लोपनिषद में मिलता है। तो सब सही है, ए वाला यही गलत था। देखें 15 में क्या कर रहा है? वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वैदिक काल से संबंधित हमें निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, दो ठो, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो अब ठीक से हम पहले कथनों को अच्छे से पढ़ें। क्या कह रहा है? अपाला घोषा तथा लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की। तो मेरे भाई यहाँ कुछ महिलाओं के नाम दिया गया, विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिला। तो अपाला घोषा तथा लोपा मुद्रा आदि विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की। जी यस, सही बात है। अब यहाँ कह रहा है कि लोपा मुद्रा नामक विदुषी स्त्री विश्वामित्र की पत्नी थी। नहीं मेरे भाई, यही गलत है। विश्वामित्र की पत्नी नहीं थी वो एक बहुत है, लोपा मुद्रा जो है ऋषि अगस्त्य नाम था उनका, ये अगस्त्य ऋषि अगस्त की पत्नी थी। लोपा मुद्रा जो है विश्वामित्र की नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 15 का केवल ए हुआ। आगे बढ़े हम लोग 16 में देखते हैं। देखें 16 का सवाल बढ़िया सवाल है, आपको बहुत कुछ यहाँ मिल गई जानकारी। कह रहा है बोगाजकोई भी कहा जाता है इसे, बोगाजकोई किस कारण से प्रसिद्ध है? तो मैं आपको जल्दी से बता दूं मेरे भाई, ये जो बोगाजकोई है यहाँ से लगभग 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख प्राप्त हुआ था, और इस अभिलेख पर मेरे भाई ये जो वैदिक काल के जो देवता हैं उनकी जो है इस पर जो है साक्ष्य मिला था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, देखो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी बोगाजकोई एशिया माइनर में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा उत्तर, यही होगा। देखें 17 में देखते हैं क्या है। वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है आपको, दो ठो कथन दिया है, एक दो, इन्हीं दोनों को पढ़कर सही उत्तर को दे दीजिए विकल्प में अपने। तो पहला पढ़ेंगे तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में
माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है, यही है? तो नहीं मेरे भाई, यही गलत है। यहाँ सिंधु नदी को ऋग्वेद में ये नहीं कहा गया है, यहाँ सिंधु नदी आपको गलत दे दिया है 17 वाले में। तो आपको बता दें कि जो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सिंधु की जगह क्या होना चाहिए था, सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। तो एक ये हमारा गलत हो गया। दूसरा पढ़ेंगे, दशराग युद्ध बिपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। मेरे भाई ये भी गलत है। दशराग युद्ध का मतलब 10 राजाओं का युद्ध, ये परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुषणी नदी का आधुनिक नाम है मेरे भाई रावी नदी। तो यहाँ पर ये लड़ा गया था, तो जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। तो ये भी गलत हो गया। दूसरा वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये बिपाशा की जगह पर बिपाशा नदी नहीं बल्कि परुषणी नदी, परुषणी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी है, रावी नदी तट पर लड़ा गया था। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, एक भी सही नहीं है, न तो एक न तो दो। आगे बढ़े हम 18 में। ये फैक्ट है, कई बार सवाल कई एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फैक्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। यानी कोई बालक या कोई व्यक्ति निवेदन कर रहा है सरस्वती माँ से, हे सरस्वती माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले चलो। इसका मतलब ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय नामक कथन कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। आगे चलें, देखें क्या है इसमें। महात्मा बुद्ध के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को आप पढ़कर असत्य कथन को देखना है, सत्य नहीं असत्य कथन को चुनना है आपको। तो महात्मा बुद्ध को महापनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। तो मेरे भाई लिच्छवियों के गणराज्य में नहीं, मल्लों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था। यहाँ लिच्छवी जगह मल्ल होना चाहिए था, मल्लों के गणराज्य में हुआ था श्रीनगर। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो गलत हो गया। अब दूसरा का पढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई है। तो मेरे भाई ये भी गलत है, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। यहाँ ये वैशाली में, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी 19 का हमारा ये सी हो जाएगा, दो के दोनों गलत हैं, एक भी सही नहीं है। आगे बढ़े हम लोग 20 में। देखें 20 में कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति से संबंधित हमारा पहला भी सवाल था, बुद्ध की मृत्यु के बाद तत्काल हुआ था। कहाँ हुआ था, मैं पहले बताया राजगृह यानी सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक कौन था, मैं पहले बता दिया था अजात शत्रु था, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें 21 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके हमें जो है सत्य कथन को बताना है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासन काल में प्रकट हुई थी। तो ये 21 वाला जो कह रहा है ये मेरे भाई गलत है। कनिष्क बौद्ध धर्म संगीति के समय, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म महायान की शाखा औपचारिक रूप से प्रकट की गई थी। तो ये अशोक नहीं बल्कि कनिष्क होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यानी अब हमें सही पूछ रहा है, तो एक जहाँ जहाँ है वहाँ उसे काट दो, वो गलत हो जाएगा। एक यहाँ है ये गलत हो जाएगा, एक यहाँ है ये गलत, एक यहाँ है ये गलत, यानी यही बचा है सी से, यही उत्तर होगा। देखो हम लोग एक ही फैक्ट मालूम था हम लोगों को, एक ही से हम उत्तर निकाल ली, हमारा उत्तर मिल गया, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यही विधि आप एलिमिनेशन मेथड से सवाल लगाते हो तो आपका समय बच जाएगा और आप घबराओगे भी नहीं, आपको थोड़े से नॉलेज में आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी और ये दोनों तो सही हैं अपनी जगह पे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है, बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। यानी दोनों के दोनों ये सही हैं। अगर हमें नहीं मालूम है ये दो तीन, तो एक तो मालूम था ना, उसी से हम उत्तर निकाल लिए। 22 देखते हैं,
सारनाथ में बुद्ध जी की एक मूर्ति है जो वो भूमि को स्पर्श किया हुआ है। आप लोग नेट पर सर्च करेंगे भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध जी की मूर्ति, तो वो जो है कहाँ है, वो गुप्त काल की है, ऑप्शन नंबर ए। तो पूछ रहा है जो सारनाथ में बुद्ध की भूमि स्पर्श किए हुए मुद्रा में प्रतिमा है वो किस काल की है, किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए 22 का हो जाएगा। तो आगे हम लोग अब बढ़ें 23 में, देखते हैं क्या है 23 में क्या है, देखें बढ़िया सवाल। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर हैं ये 23वें, पार्श्वनाथ के संबंध में असत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन हमारा असत्य है। तो पहला तो सही है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, सही बात है, लेकिन हमें गलत बताना है। तो बी वाला पढ़ें, पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इच्छुआकु वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। देखो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो इच्छुआकु वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था, ये बात सही है, लेकिन अयोध्या में नहीं बल्कि ये काशी में हुआ था। तो यहाँ पर आप जान लीजिए इसे, इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ काशी जगह अयोध्या दे दिया, तो यही गलत है बी वाला, और बाकी सब अपनी अपनी जगह पर सही थे। आगे बढ़े हम लोग 24 में, 24 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन या संप्रदाय भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बनाता है। तो मेरे भाई ये जो आजीवक संप्रदाय है इसका यह ध्यान रहता है कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ये जन्म मरण ये सब विश्वास नहीं रखता, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको लगता है कि जो है यही है, यही खाना है, यही मतलब रहना है, यही मर जाना है। तो ये सब जो है ये आजीवक जो होता है ना, ये उधार लेकर घी पीने वाले टाइप के लोग होते हैं इस संप्रदाय के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर, आजीवक। आजीवक मतलब सिर्फ आजीविका के लिए जीते हैं, ये जन्म कर्म धर्म ये सब पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर वगैरह में। 25 देखते हैं क्या है 25 वाले में, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं पहले। देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है हमें, जो गलत कथन है उसी को चुनाव करना है। तो चार कथन दिए गए हैं हमें, इन चारों में से हमें गलत को चुनना है। तो देखें पहला है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुण स्तंभ माना जाता है, तो ये बात सही है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य बेसनगर, अभी मैंने ये सवाल अभी आया था पीछे बताया था, बेसनगर यानी बेसनगर को विदिशा भी कहा जाता है, तो ये सही है। देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, तो ये भी सही है। अलवर संतों का संबंध वैष्णव धर्म से था, ये भी सही है। यानी कि मेरे भाई हमें दो क्लियर हो गया, एक से ज़्यादा सही है, तो इसका मतलब हम कूद कर इसी पर आ जाएंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई गड़बड़ नहीं है, तीनों के तीनों सही हैं ऊपर वाले। तो 25 हो गया हमारा, अब 26 पे चलते हैं, क्या है 26वें में। तो 26वें में क्या कह रहा है मेरे भाई, असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन को। तो पहला पढ़ेंगे आप, तो कह रहा है इसमें खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापदानंद की कलिंग विजय के विषय में सूचना मिलती है, 26वें में कह रहा है। तो यस मेरे भाई ये तो सही कह रहा है, बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रघोत था, ये भी सही है। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जीवक बिंबिसार का वैद्य था यानी डॉक्टर था बिंबिसार, ये जीवक जो था एक डॉक्टर था, किसका, बिंबिसार का, जिसे उसने पांडु रोग से ग्रसित राजा चंड प्रघोत के उपचार के लिए भेजा था, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और ये मेरे भाई जब ये सही है तो आँख मून कर आप यही लगा देना यही गलत है, क्यों गलत है इसको समझिए, मेन बात ये है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के में सोने से बने आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। नहीं मेरे भाई, जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो बने थे वो पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के मतलब उन्हें पंच मारकर जो है ठप्पा मारकर बनाया जाता था, वो सोने के नहीं बल्कि चांदी के थे,
35 वाले प्रश्न में जो आप जानते रहते हैं उसी में गड़बड़ी करता है, ऊपर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ते जाइए, आपको एक ऐसी जगह गड़बड़ी मिलेगी जो आप जानते रहते हैं। तो ये आप जानते हैं। तो हाँ, ये पंचमार सिक्के चांदी के बनाए जाते थे, सोने के नहीं। आगे बढ़ा जाए, हम देखें हमारा 27वां प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, फैक्चुअल टाइप का है। कह रहा है कि यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ कथन आपको दिए गए हैं और उन्हीं कथनों में से सत्य कथन को बता देना है। तो देखो मेरे भाई, पहला क्या कह रहा है, सिकंदर ने रावी नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था। ये अभी कथन आया था, मैं आपको अच्छे से समझाया था, रावी नहीं मेरे भाई, ये झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर पोरस को हराया था। तो ये गलत हो गया, सही नहीं है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में शुंग वंश का शासन था। नहीं मेरे भाई, गलत। जब सिकंदर ने हमला किया था, ये भी मैंने अभी आपको बताया, जब वहाँ पर नंद वंश का शासन था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासन था, जिसे घनानंद का हत्या मतलब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी गलत हो गया। सिकंदर ने 325 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो मेरे भाई ये भी गलत है, सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो सीधी बात है, यही वाला सत्य होगा, डी वाला, मगध का राजा घनानंद सिकंदर का समकालीन था, मैंने अभी बताया, उसी के समकालीन था सेम ईयर का, ये डी वाला उत्तर हो जाएगा हमारा, यही सत्य। 28, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो मेरे भाई कन्नौज और प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी यही उत्तर होगा। 29 में देखते हैं, प्राचीन काल में भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो ये आपको जो 29वां में पूछ रहा है कहाँ से, तो ये आपको मालूम होगा कि पुदुचेरी, जिसे अरिकामेडु भी कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरास्थल है, जो पेरिप्लस आ पेरिथियन सी में इसका उल्लेख भी है। तो यहाँ पर जो है रोमन बस्ती अवस्थित थी, यहीं से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, अरिकामेडु जो पुदुचेरी में है, ये ऑप्शन नंबर बी, किस खुदाई से प्राप्त हुआ था? अरिकामेडु से। 30 वाला देखते हैं, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो तमिल ग्रंथ है कोई, और उस तमिल ग्रंथ को लघु वेद भी कहा जाता है, तो उसका नाम बताना है आपको। तो 30वें का, तो आपको मालूम है कुराल, कुरान नहीं, कुराल लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, इसके रचयिता तिरुवल्लर थे, तिरुवल्लर। आगे बढ़ें, 31 में क्या कर रहा है, परमार शासक राजा भोज द्वारा निम्नलिखित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको जानने को मिलेगा। कह रहा है परमार शासक राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो लोग सोचते हैं यार भोजशाला मंदिर है तो ये भोजन वोजन टाइप का कुछ होगा, लेकिन नहीं, यह सरस्वती को समर्पित है, सरस्वती को। क्यों? क्योंकि भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिला में है। कहाँ? ये मध्य प्रदेश के धार जिला में, ये आप जान लीजिए। और यहाँ पर देवी सरस्वती का ये मतलब उनको समर्पित मंदिर है ये। तो कौन शासन करवाया था इसका? ये संस्कृत के अध्ययन के लिए बनवाया गया था। आगे बढ़ें, 32 में, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है? तो आप लोग जान लीजिए मेरे भाई, जैसे ये अपना भारत हो गया, उत्तर भारत में नागर शैली से संबंधित मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से। लेकिन ये उत्तर भारत में जो है एक मंदिर है, तो वहाँ जो है मंदिर जो है शिखर, मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, तो इसलिए यह चर्चा में आ गया, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है, 32वें का। तो ऑप्शन नंबर, ये जो ग्वालियर का तेली मंदिर है या इसका जो
शिखर है या द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ये कहाँ पर है? यह है जो है मध्य प्रदेश में है, तो ग्वालियर का तेली मस्जिद। आगे देखें 33 में, देखें 33 वाले में क्या पूछ रहा है कि बृहत्तर भारत पर सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बृहत्तर मतलब ग्रेटर, ग्रेटर इंडिया पर सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ चंद्रगुप्त आपको तीन नाम मिलते हैं मेरे भाई, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य का टाइटल रखता था, ये दोनों गुप्त वंश से संबंधित हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यवंश का संस्थापक मौर्यवंश से संबंधित है। तो यही जो जिसमें मौर्य लिखा है, ये वाले जो हैं बृहत्तर भारत पर पहले साम्राज्य की स्थापना किए थे। आगे चलें 34 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। किस पुस्तक में राज्य के सप्तांग यानी सात सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। तो आप लोग देखते होंगे, अगर उसको पढ़े होंगे, मौर्य शासन काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो है में अर्थशास्त्र की एक रचना किया था, जबकि वो इकोनॉमिक संबंधित नहीं था, वो पॉलिटिकल प्रशासन से संबंधित था। तो अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 34वें का उत्तर हो जाएगा इसमें। वो सप्तांग क्या था? सप्तांग मतलब सात अंग, मतलब पहले राजा, फिर अमात्य जिसे मंत्री बोला जाता था, अमात्य हो गया, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सात इसके अंग थे। आगे बढ़ें 35 में क्या है, कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है चारों कथनों को पढ़कर। तो अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख है, 35वें में पूछ रहा है, तो सही नहीं है। ये तो सही है, अशोक का अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारियों का है, उनसे वो कहता भी था कि आप लोग जो है डोलिए टहलिए बैठिए मत एक जगह, तो ये भी है। मौर्य काल में व्यापारी कारों के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, यस मेरे भाई, तो ये भी सही है। मौर्य काल में जो व्यापारी होते थे उनमें जो एक नेता होता था व्यापारियों का, तो उसके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था या सार्थ, ये भी सही है। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, तो ये भी सही है। तो एग्रोनोमोई यहाँ जो लिखा है एक, यही गलत होगा, ऑप्शन डी। जब तीन सही हो गए तो डी वाला गलत ही होगा। एग्रोनोमोई कृषि अधिकारी को कहा जाता था, तो नहीं मेरे भाई ये गलत है। एग्रोनोमोई जो है ये जो आज के DM हैं, यानी उस समय जिले का जो अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था, आप DM समझ लीजिए। तो जिले के अधिकारी को कहा जाता था, ये राजकीय भूमि व्यवस्था बनाने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था, तो ये सीताध्यक्ष कृषि अधिकारी को कहा जाता था और एग्रोनोमोई जिले के अधिकारी। 36 देखें, समंत पाशादिका, समंत पाशादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अश्वघोष, बुद्ध घोष, भद्रबाहु, पतंजलि। तो कौन है मेरे भाई? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष, समंत पाशादिका नामक ग्रंथ की रचना बुद्ध घोष ने की थी। इसमें बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने जो अवंती महाजनपद पर जीत हासिल की थी उसी के बारे में है इसमें। 37 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र, सौराष्ट्र प्रदेश, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो किस स्तंभ लेख में ये मिलता है ऐसा ये पूछ रहा है आपसे, तो सौराष्ट्र में 37वें पूछ रहा है। तो मेरे भाई रुद्रदामन के जूनागढ़ ये शिलालेख से, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े हम लोग 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमें। तो देखें मेरे भाई, ये घोषित राम मठ नालंदा में स्थित है, जी बिल्कुल सही बात है। रामाभार स्तूप कुशीनगर में स्थित है, ये भी सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
ये सॉरी 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 मैंने कुछ गलत कर दिया, घोषित राम मठ जो है ये नालंदा में स्थित नहीं है मेरे भाई, ये कौशाम्बी में स्थित है, मैंने यहाँ गलत बोल दिया। घोषित राम मठ ये नालंदा में नहीं बल्कि कौशाम्बी में, कौशाम्बी में है। आगे चले हम लोग, यही गलत था और बाकी सब सही हैं अपनी जगह पे। 39 देखें, हमें 39 पे जाना है। देखें क्या कह रहा है यहाँ पर, दो ठो कथन है यहाँ पर, कह रहा है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प को हमें चुनाव करना है। आप पहले ये ध्यान लीजिए कि हमें सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो सही पूछ रहा है यहाँ पर, कथन एक पढ़ेंगे, श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। और दूसरा कह रहा है खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये बात तो दूसरा तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये दूसरा सही है। और ये भी सही है, श्रीलंका स्थित अनुराधापुरम से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये भी सही, यानी दोनों के दोनों कथन हमारा सत्य है यहाँ पर। 40 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फिर वही बात आया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसे हमें बताना है 40वें में। तो मेरे भाई एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण से संबंधित है, ये तो सही है, ये जिले का अधिकारी होता था। पौतवाध्यक्ष मतलब जो नाप तौल का अधिकारी होता है उसे पौतवाध्यक्ष कहते हैं, ये भी सही है। सूनाध्यक्ष मतलब बूचड़खाने में चले जाएंगे तो आपको वहाँ सूना सूना सा लगेगा, तो बूचड़खाना का प्रभारी होता था वहाँ का। तो ये तो तीनों सत्य हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमसे गलत पूछा है अक्राध्यक्ष जो होता है मेरे भाई, अक्राध्यक्ष जो माइंस होते हैं, खान होता है, उसका जो है उससे विभाग से संबंधित है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अक्राध्यक्ष ये खान विभाग से संबंधित है माइंस, और ये जो आपको दिया है ना वाणिज्य विभाग से संबंधित कौन अधिकारी होता था, तो वाणिज्य विभाग से संबंधित जो है पन्याध्यक्ष होता था, पन्या अध्यक्ष ऐसे पन्या। आगे चले हम लोग, यानी डी हमारा गलत था, अक्राध्यक्ष की जगह पे जो है यह है होना चाहिए था। आगे चले अब 41 में देखते हैं क्या है। मौर्य काल में धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन क्या थे। तो मेरे भाई मौर्य काल में धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन यह एक तरह का कोर्ट था, न्यायालय कोर्ट, जैसे आज के समय में मेरे भाई हम लोगों को जैसे कोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक फौजदारी न्यायालय होता है और एक दीवानी न्यायालय। तो फौजदारी न्यायालय में जैसे मारपीट हत्या लूट अपहरण बलात्कार जैसे मामले जाते हैं, और जो दीवानी न्यायालय होता है उसमें गोद संपत्ति का बंटवारा और ये सब जो तमाम चीज़ें होती हैं ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक तरह का धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था, कंटक शोधन यह क्या था, यह फौजदारी न्यायालय था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोगों का उत्तर। 42 में कह रहा है मेरे भाई मेगास्थनीज ने इंडिका में, आपको मालूम है इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा था। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया था, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है। तो 7 श्रेणियों में जो विभाजन किया था उन्हीं में से 4 का नाम दिया है और कौन 4 उससे संबंधित नहीं है तो ये बताना है। तो मेरे भाई उसमें कृषक की बात किया गया, पशुपालक की बात किया गया, दार्शनिक की बात किया गया, लेकिन दास उस श्रेणी का संबंधित उस श्रेणी से संबंधित नहीं है। आपको मालूम होगा 7 श्रेणियों का नाम आपको बता दें, पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये थे, दास नहीं था। तो दास हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें 43, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है।
तो किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन यानी बुद्ध का चित्र मिलता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये कनिष्क, यही जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। तो हम लोग चलते हैं 44 वाले पर, क्या कर रहा है इसमें देखें। कह रहा है कि रवतक अभिलेख, रवतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो रवतक अभिलेख मेरे भाई ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है ये रवतक अभिलेख। तो यह किस शासक से संबंधित है, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 का उत्तर ये हो गया। तो इसमें यह क्यों फेमस है ये रवतक अभिलेख, ये अफगानिस्तान में जो रवतक अभिलेख था ना, तो इसमें जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलपुत्र और चंपा का उल्लेख किया गया था, यहाँ के जो भारत के ये जो है यहाँ थे, मतलब राज्य थे। आगे हम लोग देखें 45 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है इसी को हमें बता देना है। जो तक्षशिला लेख है, तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है, यहाँ दिया है तक्षशिला लेख पतिक, तो ये बिल्कुल सही, ये सही है यहाँ पर, तो ये सही है। तो ये तीनों गलत होंगे यहाँ पर, क्योंकि जूनागढ़ जो अभिलेख है मेरे भाई, ये जो जूनागढ़ लेख अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, सातवाहन से नहीं, इसलिए मैंने लगाया था रुद्रदामन से संबंधित है। और गांधार कला जो है ये शक से नहीं संबंधित है, बल्कि कुषाण काल से संबंधित है, किसे, कुषाण काल, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, इसलिए ये तीनों गलत हो गए, यही सही था। आगे हम लोग देखें 46 में, 46 में क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है। सातवाहन शासकों ने सोने चांदी तथा तांबे के सिक्के जारी किए, सातवाहन शासकों ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, मेरे भाई गलत, यही गलती है। सातवाहन शासकों ने चांदी तांबा का सिक्का जारी किया था और सीसा का भी सिक्का जारी किया था, लेकिन सोना का नहीं, तो यही गलत हो गया, याद रखिएगा। ये सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी और तांबा का सिक्का जारी किया था, सोना का नहीं, और बाकी सब अपनी जगह पर सत्य हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग, आपको फैक्ट के रूप में याद हो जाएगा ये सब। आगे देखें 47, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। तो किस वंश के शासकों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है, तो यहाँ पर चार वंश के शासकों का यहाँ पर नाम दिया गया है आपको ए बी सी डी करके। तो इक्ष्वाकु, 47 का जो हमारा उत्तर है वह इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र भृत्य का मतलब मेरे भाई आंध्रों का नौकर, आंध्रों का नौकर, तो इसका मतलब ये है। तो आंध्र भृत्य किसको कहा गया, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। 48, निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता है। तो कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता है, तो खारवेल, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा हमारा, खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। आगे देखें हम लोग 49, सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, यहाँ पर चार नाम है, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49वें का। तो सेतु बंध नामक की रचना ये वाकाटक वंश का था प्रवरसेन, और प्रवरसेन ने चार अश्वमेघ यज्ञ संपादन किया था, इसलिए यह भी फेमस है। तो आगे बढ़ा जाए अब 50 में, देखें 50वें में क्या कह रहा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का लेख मिलता है। तो आपको मालूम होगा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने वहाँ से उठवाकर लाए, इलाहाबाद के किले में इसे प्रतिस्थापित करवा दिया। यहाँ पर अकबर का जो बेटवा था जहांगीर, उसका उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर ए।
अकबर लाया था तो उसी का बेटा का मिलेगा। आगे देखें हम 51 में, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन क्या है हमारा? देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की थी। तो असत्य कथन को हमें पहचानना है, कौन सा कथन हमारा गलत है। तो ये तो सही है, देवी चंद्र गुप्त नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिश्रेण है, ये भी सही है। मेहरौली स्तंभ लेख जो दिल्ली में है, चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। लीलावती की रचना आर्यभट्ट है, मेरे भाई यही गलत है। तो ये सब सही है अपनी जगह पे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, ये डी वाला गलत है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट नहीं है मेरे भाई। तो आप सोच रहे होंगे कौन है, तो लीलावती के रचना एक गणितज्ञ हैं प्रसिद्ध है, जिनका नाम है भास्कराचार्य। तो उन्होंने एक लिखा था ये शिरोमणि का सिद्धांत। तो शिरोमणि का सिद्धांत जो लिखा था ये भास्कराचार्य ने, उसी का एक भाग है लीलावती। तो आर्यभट्ट की जगह नहीं होगा, भास्कराचार्य होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, फिर यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन नंबर 52 है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कह रहा है मेरे भाई कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को चुनना है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर दिया है, पहले पहले गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। जी मेरे भाई बिल्कुल सही, और यही आपका प्रश्न, यही उत्तर होगा इस प्रश्न का। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ये तो सही है। अब बात आती है ये तीनों क्यों गलत हैं, ये दोनों। तो गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निष्क कहा जाता था, तो मेरे भाई नहीं, तो निष्क जो है वैदिक काल की स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था, गुप्त काल की नहीं। तो निष्क जो है वैदिक काल, यहाँ गुप्त काल नहीं होगा, वैदिक काल कहा जाता था। और आगे दिया है, गुप्त काल के शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो मेरे भाई यही ए भी वाला गलत है, क्योंकि गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त ने जारी किए थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं चंद्रगुप्त, ये हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। आगे बढ़ें 53 में, गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उदरंग शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, क्या बताते हैं? तो मेरे भाई गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उदरंग, ये जो दो शब्द हैं ये क्या बताते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये मेरे भाई एक लैंड टैक्स था, लैंड टैक्स यानी भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। आगे चलें 54 में, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, टाइटल वो लगाता था, तो उसके नवरत्न थे, नवरत्नों में से कौन वास्तुकला से संबंधित था? तो ये छपड़क दिया है, वेताल भट्ट दिया है, वरा मिहिर दिया है, शंकु दिया है। तो यहाँ पर जो शंकु है यह है, उसे वास्तुकला से संबंधित थी, आर्किटेक्चर से संबंधित थी यह। 54 का हो जाएगा हमारा ये। तो उसके नवरत्नों में से काफ़ी थे, ज्योतिषी से वारा मिहिर, खगोलविद, ये सब थे वहाँ पर। तो आप लोग जब वो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त वाला ये टॉपिक, तो आपको मिलेगा यही। 55, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपाधि शकारी भी है? तो किस गुप्त सम्राट की एक टाइटल शकारी है, कौन सा ये गुप्त सम्राट अपना टाइटल शकारी यूज करता था, इसमें बताना है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य भी अपना टाइटल यूज करता था और शकारी भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलें 56 में, देखें 56 वाले में क्या कहा जा रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, उसको बताना हमें। तो पहला क्या है, गुप्त काल में ताम्रलिपि भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, तो मेरे भाई ये तो सही बात है, था ताम्रलिप्ति।
बी वाला कह रहा है कि गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ था। मेरे भाई गलत है, क्यों गलत है? भृगु कच्छ जिसका एक अलग नाम है भड़ाउच, भड़ाउच कहाँ है? यह गुजरात में है। तो आपको पता है गुजरात भारत के पश्चिमी एरिया में, पूर्वी नहीं, तो जब भड़ाउच पश्चिमी में है तो यहाँ पूर्वी भारत दे दिया, तो गलत पश्चिमी भारत होना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत है। और बाकी ये सब सही हैं अपनी जगह पे, इसको पढ़ लीजिएगा। 56-57 में सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? तो हम सबको मालूम पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, तो ये फैक्ट किसने बताया? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। 57 में चलें, 58 में चोल वंश के शासनकाल में शब्द वेट्टी का सही आशय क्या था? तो वेट्टी क्या होता था? चोल शासन में एक वेट्टी शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित था, आप लोग जब चोल शासन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, तो वहाँ पर जो वेट्टी था ये मेरे भाई, तो एक तरह का जो है टैक्स लिया जाता था, जैसे लोगों को कैश के रूप में टैक्स नहीं लिया जाता था, जैसे किसी से टैक्स लेना होता था तो उसे श्रम लेते थे, टैक्स नहीं, जैसे कहीं बिल्डिंग बन रही तो वहाँ जाओ के काम करो, कोई सड़क बन रही तो वहाँ, कुआं खोदा जा रहा है तो वहाँ काम करो, यानी जबरन श्रम लिया जाता था टैक्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेट्टी का, चोल वंश के शासनकाल में। तो डायमेकस तथा डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो डायमेकस और डायनोसिस दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो मेरे भाई बिंदुसार के, ऑप्शन नंबर सी। 60, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन सा एक सही सुमेलित है उसको बताना है, इन चारों में से एक ही सही है और उसी को बताना है हमें। तो सार्थवाह दिया है व्यापारियों के समूह को, तो मेरे भाई ये गलत है, सार्थवाह जो होता है वह व्यापारियों के समूह का नहीं, व्यापारियों के समूह को सार्थ कहा जाता है। तो ये बात तो सही है, सही है, कह रहा है हमसे पूछ रहा है कौन सा अच्छा सही है ना, तो कौन सा सही है, तो ये भी सही है। सार्थवाह किसे कहा जाता है? व्यापारियों के समूह का जो लीडर होता है, कई व्यापारी होते हैं, व्यापारियों का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप में व्यापारियों का जो नेता होता है उसी को सार्थवाह। एरण अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, सही बात है। भुक्ति गुप्तकालीन प्रांत से संबंधित, यानी सभी के सभी कथन हमारा सत्य है, डी हो जाएगा उत्तर। 61 में मेरे भाई बहुत फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है, गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए थे? तो 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर वो एक प्रमुख मतलब थे तो 11, लेकिन उसका नाम आपको नहीं पूछेगा तो 11 लगवाता दीजिएगा। जैसे अगर कुछ नाम अगर इसमें प्रमुख बताना हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुमिस, बलबन, ये लोग थे। आगे चलें हम लोग, देखें 62 में, 62 में मेरे भाई क्या है? गुंबद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? तो मेरे भाई इल्तुमिस ने ही पहली बहुत ही एकदम बैलेंस तरीके से मंदिर, जो मस्जिद होता था उसका गुंबद बनाने की जो परंपरा शुरू हुई ये इल्तुमिस के शासनकाल से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 62 का। तो आगे बढ़े हम लोग, 63 में नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन है और दूसरा कारण है, इन्हीं को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, जी बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? लोगों को लगेगा कि ये बख्श शब्द है, बख्श मतलब माफ़ कर देना, नहीं, लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला, तो इसलिए कहा जाता था। और इसमें लिखा है कि एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद भी उनकी जान को बख्श दिया, नहीं मेरे भाई, लाख बख्श इसलिए कहा जाता था, लाखों को दान देने वाला, तो ये गलत हो गया और इसका ए वाला सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग 64 में, देखें 64 क्या कह रहा है हमसे।
कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो गड़बड़ है उसी को हमें बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुमिस को माना जाता है। जी बिल्कुल, वास्तविक संस्थापक यही है, लेकिन अगर न्यू रखने वाले की बात आएगी तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की आएगी। दूसरी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। नहीं मेरे भाई, कुतुब मीनार का उसने नींव रखी थी, जबकि पूर्ण इल्तुमिस ने करवाया था। तो दो गलत हो गया। तो इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन में दो रहना चाहिए, जिसमें दो नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। तो दो रहना चाहिए, तो इसमें दो नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसको पहले निकाल दीजिए। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रारंभ करवाई। जी सिजदा और पैबोस यानी पैर चूम कर और गिर कर जो एक नहीं करते हैं, तो सिजदा पैबोस बलबन ने ही करवाया था, तो ये भी सही है। तो अब देखो जो हमें पता लग गया, एक सही है, तीन सही है, और हमें पूछा है सही नहीं है कौन, तो एक और तीन उसमें नहीं होना चाहिए अब विकल्प में। तो एक इसमें है ये भी नहीं होगा, एक इसमें है तीन ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य होगा, ये डी वाला। चले हम लोग 65 पर, 65 वाले देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। एक कथन है, एक कारण है, पढ़कर हमें उत्तर दे देना है सही उत्तर कौन सा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। जी मेरे भाई बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन ने जब सापने शासन काल में वो जो महंगाई को रोकने के लिए बाज़ार में एक उसकी नियंत्रण व्यवस्था लागू किया, इसलिए लागू किया कि अपने सैनिकों को वेतन बहुत कम देता था और वे सैनिक कम वेतन में ही अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सके, इसलिए देता था, जबकि जनता की भलाई के लिए नहीं देता था वो। तो इसमें क्या लिखा है, कारण वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी से अधिक सुविधाएं देना चाहता था। नहीं मेरे भाई, नागरिकों के लिए नहीं, हालांकि नागरिकों को भी लाभ मिलता था, लेकिन उसका इंटेंशन, उसका उद्देश्य था सैनिकों का। तो ये हमारा कारण गलत हो जाएगा, तो ए सही है और गलत है ऑप्शन सी उत्तर। 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है इसे हमें बताना है। तो दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो यस अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना। दीवान ए आमिर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, तो ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। दीवान ए खैरात इसकी स्थापना FST ने किया था, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज ये आर्मी से संबंधित था, इसकी स्थापना लिखा है इल्तुमिस ने। नहीं मेरे भाई, गलत है और यही उत्तर होगा, क्योंकि गलत हमसे पूछा है, 66वां का यही होगा हमारा, क्योंकि दीवान ए अर्ज यहाँ पर जो था इसकी स्थापना जो है इल्तुमिस ने नहीं बल्कि बलबन ने किया था। क्यों बलबन, आगे देखें हम लोग 67 में। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल दो गणतंत्रात्मक स्वरूप थे, वे दो महाजनपद थे। हमें पता है मेरे भाई, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जो है कुल 16 महाजनपदों की चर्चा है, और 16 महाजनपदों में से केवल दो में गणतंत्र था, रिपब्लिक था, जबकि 14 में राजतंत्र था। तो वही कह रहा है कि जो दो में जो रिपब्लिक था गणतंत्र, तो उसकी कौन कौन से महाजनपद थे। तो मेरे भाई जो है MV याद रखिएगा, मल्ल और वज्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का हमारा। आगे बढ़े हम लोग 68 में क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पाषाणी काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो किस पुरापाषाण स्थल काल से संबंधित एक हड्डियों की बनी हुई मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो चार नाम दिए गए, लूनी नदी क्षेत्र, पल्लवरम, कोरेगांव या लोहदा नाला क्षेत्र, तो 68वां का हमारा जो उत्तर होगा मेरे भाई, लोहदा नाला क्षेत्र में, ये बेलन नदी घाटी संबंधित है, तो यहीं से मिली थी ऑप्शन नंबर ए। 69, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है सही कथन को बताना, इन दोनों कथनों को पढ़कर सही कथन बताइए।
तो नायब ए मूला, नायब ए मुमलकात पद, नायब ए मुमलकात पद का सृजन नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा कह रहा है यह पद सबसे पहले एतगीन को दिया गया था। तो जो 69 है ये के हमारा ये केवल 2 है, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो नायब ए मुबालिक पद सबसे पहले गुलाम वंश के शासक जो बहराम शाह को दिया गया था, नसीरुद्दीन महमूद को नहीं, बहराम शाह को, इसलिए केवल 2 सही है। तो देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों की हंसी बहुत आएगी कि हमें क्वेश्चन बनाने वाला कितना आसानी से हमें मूर्ख बनाना चाह रहा है। तो देखें इल्तुमिस के बारे में कुछ कथन दिया है, उन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो देखें पहला क्या करा, इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया, सही बात, इल्तुमिस ने प्रारंभ किया था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, ये भी सही है। और इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की थी, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है इल्तुमिस के विषय में। चौथा यही मेरे भाई गलती है, कहाँ गलती, बहुत हल्की सी गलती है, यहाँ किसी की नज़र पहुँचती नहीं है। करा इसने चांदी का जीतल और तांबे का टंका नामक सिक्के चलवाए थे, जो पढ़ेगा लगेगा सही है लेकिन गलत है। ये चांदी का, ये जो इसमें लिखा है चांदी का जीतल, तो मेरे भाई चांदी का टंका चलाया था, जीतल नहीं, चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल होता था, तो ये उल्टा है इसमें, तो यही गलत है। तो 1, 2, 3 केवल सही है हमारा, बाकी चौथा गलत है। 71 में देखते हैं, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय हुआ था। अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों से हुआ था, तो यहाँ 4 नाम दिए गए, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। तो 71 का हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुगलक वंश। 72 में देखें, 72 में क्या है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 में कुछ बुक्स का नाम है और दूसरे में उसके ऑथर यानी लेखक का नाम है, तो हमें मिलाना है रेहला। रेहला जो पुस्तक है इब्न बतूता ने लिखा था, सबको मालूम है। और तारीख़ ए फिरोज़ शाही, तारीख़ ए फिरोज़ शाही ये लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। और तारीख़ ए नौसारी तो ये मिनहाज उस सिराज ने, और बाकी एक जो बचा है तारीख़ ए हिंद अलबरूनी ने। तो 1-1 पर आएगा, 2-3 पर चला जाएगा और D4 पर, ये ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा हमारा, ये वाला। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या है इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चारों में से कौन सा एक गलत मैचिंग किया गया उसके बारे में बताना है। तो देखो चंदावर का जो युद्ध हुआ था मेरे भाई, ये चंदावर का जो युद्ध हुआ था आप सबको इसमें मालूम होगा 1194 में ही हुआ था, ये सही है। अगर थोड़ा सा और जानकारी की बात करें तो राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और ये पानीपत का युद्ध जो है 1526 में हुआ था, बाबर से हुआ था, और बाबर के साथ साथ कौन था, इब्राहिम लोदी था। और यहाँ तैमूर का आक्रमण दिया है, तैमूर का आक्रमण भी 1398 ईस्वी में हुआ था। चंगेज़ खान का आक्रमण जो था मेरे भाई 1221 में हुआ था, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब सही थे ये तीनों। 74 में क्या है, 74 में कह रहा है कि विचार करिए और सही उत्तर दीजिए दोनों कथनों को पढ़कर। तो दीवान ए बिजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था, जो लगान कर व्यवस्था आदि का देखभाल करता था, तो ये सही है, दीवान ए बिजारत का यही काम था। ये बिजारत स्वर्ण काल का खिलजी काल को कहा जाता था, बिजारत का स्वर्ण काल खिलजी काल को कहा जाता था, तो मेरे भाई ये नहीं, तुगलक काल को कहा जाता था, खिलजी काल को नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल ए सही है हमारा। 75 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन कौन, अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था।
तो ये आपको कुछ नाम दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत शासकों से संबंधित। कह रहा है कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का शासन था काल था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बहराम शाह 75 का ये उत्तर हो जाएगा, बहराम शाह था। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्न था, कुल 150 में आधा लगभग पढ़ लिए हैं, आधा पूरा हो गया 75 क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होगी आपको देखने में, तो इसको हम सेकंड पार्ट में रखते हैं। पार्ट वन में हम लोग रखे हैं टेस्ट सीरीज ये दूसरे को, और पार्ट टू में हम लोग इसके 75 के बाद वाले क्वेश्चन को लाएँगे। तो साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, और हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए नमस्कार।